ऋषि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक काले मूंग की आमटी बना के दिखाने वाली हूँ। एक काले मूंग मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखा था। कुकर में मैं अभी ऑयल डालती हूँ। मूंग मैंने डाला है। इसे थोड़ा सा भून कर लेती हूँ। और थोड़ा मैंने नमक डाला है। नमक डाल के मैंने 2 मिनट इसे भून कर लिए। अभी मैं पानी डालूंगी। और इसे बंद करके मैं 5 मिनट इसे पकने दूंगी। यहाँ मैंने मसाला बनाने के लिए धनिया, हरी मिर्च 5 से 6, लहसुन का लिया 5 से 7, अदरक का टुकड़ा 1 इंच और सूखा खोबरा कट करके लिए, टमाटो कटा हुआ 1 प्याज। तो सबसे पहले मैं ये मसाला बनाती हूँ। यह हमारा मूंग अच्छे से गल चुका है और यह मैंने अच्छे से मसाला पीस लिए। अभी मैं यहाँ बर्तन में ऑयल डालती हूँ। दो चम्मच अभी मैं डालूंगी। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, और 1 कटा हुआ। फ्राई करके लेते हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन कलर पर फ्राई होने पर। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गए। अभी डालूंगी हल्दी पाउडर 1 पाव चम्मच और ये जो मैंने कटा हुआ 1 टमाटर। चेक करके लिए था 1 टमाटर। टमाटो को भी मैंने फ्राई किए। अभी ये मसाला डालूंगी मैं। हरी मिर्च का मैं ये मूंग बनाने वाली हूँ। हरी मिर्च का काला मूंग की अब भी बनाने वाली हूँ मैं। तो मैं मसाला नहीं डालने वाली हूँ। यह हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गए। अभी मैं डालूंगी इसमें नमक 1 चम्मच। अभी मैं डालूंगी ये मूंग काला मूंग जो मैंने उबाल कर लिया था। अभी मैं प्लेट रखूंगी 2 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए।
यह हमारा हरी मिर्च का मूंग डाल के मूंग की अमती बनकर रेडी हो गई। तो यह मैंने प्लेट में निकाल कर दिखाए हैं, ये बहुत ही टेस्टी हो गई। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।